के बीच में गोतिया है, झगड़ा उगड़ा हुआ, माइनर इंजरी हुआ, दोनों पार्टी हॉस्पिटल में पहुंचे ट्रीटमेंट के लिए। वहाँ हॉस्पिटल में आपस में मारपीट हुई, पास में SHO को बुलाया गया था। उस समय जो SHO थे वो तो सस्पेंड हैं। वहाँ पर ये सब लोग जो है पहुँच करके और मारपीट किए, ये लिख रही हैं। तो जब इलाज चल रहा था तो उस समय भी उक्त सभी स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट किए, फर्द बयान है, ये कैसे जाएगा डायरी में? ये तो जा नहीं सकता है, दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डायरी। होता है लॉयर का, उसके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। नहीं किया। क्या लिखा है आपने? फर्स्ट प्रेयर पढ़िए ना। व्हाट इज योर प्रेयर? टाइपिंग मिस्टेक जो है उसको नहीं देखेगा जी। प्रॉपर एंड फायर इन्वेस्टिगेशन जी। चलिए हुजूर, नेक्स्ट ऑन अर्लियर ओकेजन हुजूर सुना गया था, हमने पेज नंबर 25 पे हुजूर का ड्रॉ अटेंशन किया था कि मेरे हस्बैंड के द्वारा एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में मारपीट का एक FIR दर्ज कराई जाती है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट अगेन दिस एक्यूज पर्सन हैज असोल्टेड इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेज टू द डिसीज, और ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट इनका डेथ हो जाता है। अगेन द फर्दबयान ऑफ द वाइफ11/4 11/4 को अकरेंस हुआ, दोनों पार्टी के बीच में गोतिया है, झगड़ा उगड़ा हुआ, माइनर इंजरी हुआ, दोनों पार्टी हॉस्पिटल में पहुंचे ट्रीटमेंट के लिए। वहां हॉस्पिटल में आपस में मारपीट हुई, हॉस्पिटल में भी मारपीट हो गई जी। अभी तक पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपस में लड़े, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में आपस में मारपीट हुई। नेक्स्ट डे उन लोग ट्रीटमेंट करा के वापस आ गए, हस्बैंड जो है पिटिशनर के नेक्स्ट डे जाके थाना में FIR रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया। उसके बाद जब वापस आ गए वो घर में 12 दिन तक रहे, उसके बाद अचानक उनके चेस्ट में पेन हुआ, ही वेंट टू हॉस्पिटल, वहां से उनको रेफर कर दिया गया छपरा, छपरा में उनका डेथ हो गया। जब डेथ हो गया द मैटर दिस वाज इन्फॉर्म टू द कि उसमें जो इन्फॉर्मेंट थे उनका डेथ हो गया है। पुलिस ऑफिसर एक गए वहाँ छपरा में सदर हॉस्पिटल में, वहाँ ही रिकॉर्डेड द फर्द बयान। वो फर्द बयान को जो हम पढ़े थे, हमको लगा था उस दिन भी कि सो अकरेंस जो है वो 23 का है, लेकिन उस फर्द बयान में वो पहले कहीं घटने को नरेट की थी, 23 का कोई अकरेंस हुआ ही नहीं था। जब हम स्पेसिफिकली चेक करवाएं इसमें CCTV ओनली वन अकरेंस 11th का, और डिसीज का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, उनका विसरा का एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी आ गया है, डॉक्टर का ओपिनियन भी आ गया है कॉज ऑफ डेथ का। IO को बुलाया गया था और उसमें SHO को बुलाया गया था। उस समय जो SHO थे वो तो सस्पेंड हैं, अभी जो IO हैं ये नो अकरेंस हैड टेकन प्लेस ऑन 23rd, अकरेंस 11 का ही है जिस पर 12 को FIR लॉज हुआ है। दो अकरेंस होता है हुजूर, एक घर पे, हमको बोल देने दीजिए, इसलिए चुप थे, बोल देने दीजिए हमको। 11 को एक अकरेंस होता है उनके घर पे, दूसरा अकरेंस होता है दोनों पार्टी ट्रीटमेंट कराने पहुंचा हॉस्पिटल में, वहां 11 को दोनों अकरेंस हुआ, 12 को FIR रजिस्टर करते हैं हस्बैंड ऑफ द पिटिशनर। 12 वाला FIR कहां है? 12 वाला FIR है पेज नंबर हुजूर को 23rd पे मिले, 23 पे। यस,
नहीं, देखिए पैराग्राफ 26, पेज 26 पर जी, हम आ रहे हैं हुजूर, उस पे आ जाएंगे, हम वही देखे थे सबसे पहले, हम वही 13/4/2022 को मकेल पीएस केस नंबर 65/2022 वाज लॉस्ट जी ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द हस्बैंड जी नाउ देयर आफ्टर दिस पिटिशनर सबमिटेड हर फर्द बयान जी इन विच सी हैज स्टेटेड अबाउट द अकरेंस सेम 11 की अकरेंस का No, she states about another occurrence no, also. No, second occurrence. We are reading. इनका ये एफआईआर कहाँ है 65/22 यही तो हुजूर पेज नंबर ये पेज नंबर 21 से स्टार्ट होता है 23 हुजूर का रिटेन रिटेन रिपोर्ट था हस्बैंड का है जी स्टेटेड अबाउट दैट कि हॉस्पिटल में जो हुआ जी हुजूर पेज नंबर 25 पे नीचे से लास्ट लाइन 25 पर तो पिटिशनर लिख रही है ना 23 का फर्द बयान 23/24 में जो डिसीज का है वो नहीं कर रहा नहीं लिखा हुआ है वो डिसीज का नहीं लिखा है ना नहीं लिखा है जस्ट मिनट साइमल्टेनियसली सॉरी डिसीज वाला में नहीं लिखा हुआ डिसीज में नहीं लिखा है नहीं लिखा सो This petitioner has given her hearth bayan in which she has given a different case that her husband was assaulted in the hospital also on when he was taking treatment. एक बार हम पूरा पढ़ देते हैं हुजूर हमें एक चीज हुजूर के पहले नोटिस में हम ये नहीं कर रहे हम एक चीज हुजूर के नोटिस में पहले लाते हैं इस एंगल से केस कैसे इन्वेस्टिगेट होगा हो गया है इन्वेस्टिगेट कैसे होगा हम जो कहना चाह रहे हैं हुजूर पहले कि ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है हस्बैंड पिटिशनर के हस्बैंड के रिटर्न रिपोर्ट पे दिस एफआईआर वाज रजिस्टर्ड आफ्टर दैट अकरेंस जिसमें कि इनके घर पे मारपीट हुई थी देर आफ्टर ही वेंट टू द हॉस्पिटल वहां पर दोनों तरफ के इंजर्ड लोग पहुंचे थे वहां पर आपस में फिर भिड़ गए डॉक्टर ने इनको एग्जामिन किया इनका ट्रीटमेंट किया उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्डेड है नेक्स्ट डे ही वेंट टू द पुलिस स्टेशन एंड गिव दिस रिटन रिपोर्ट ऑन दैट बेसिस दिस एफआईआर वाज लॉन्च अब उसके बाद वो घर चले आए 12 दिन के बाद उनके चेस्ट में पेन हुआ ही वाज टेकन टू द ये तो आप कह रहे हैं ना अभी इन्वेस्टिगेशन करके जी हर केस इज दैट व्हेन ही वाज टेकिंग ट्रीटमेंट इन द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देयर द अक्यूज्ड पर्संस केम एंड दे असॉल्टेड हिम एंड मारपीट किए वहां से मैं अपने पति को रेफर करा करके और सदर हॉस्पिटल छपरा लेकर चले ये सेम डेट है दिस इज फॉर द अकरेंस ऑफ 11th दिस इज फॉर द अकरेंस ऑफ 11th नथिंग हैड हैपेंड ऑन 23rd ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है दिस इज फॉर द अकरेंस ऑफ 11th क्योंकि 23rd को छपरा हॉस्पिटल में उनके हस्बैंड का डेथ हो गया आइए आइए सर उसी के लिए पोस्टमार्टम भी किया गया था कि कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए तो सर सदर हॉस्पिटल में इसका पोस्टमार्टम किया गया था और हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम की बात तो बाद में होगी मुझे ये बताइए कि ये 12/4 का रिटन कॉम्प्लेंट हस्बैंड ने दिया पिटिशनर के हस्बैंड ने जो है जो उसके घर पर अकरेंस हुई उस अकरेंस के विषय में लिखा ही हैज नॉट स्टेटेड अबाउट द अकरेंस विच टूक प्लेस इन द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक है
उसके बाद 23 तारीख को जो इसने फर्द बयान दिया पिटिशनर की वाइफ ने, सॉरी डिसीज की वाइफ ने, उसने कहा कि जब हम 11/4 वाले अकरेंस के बाद हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ, तो फिर वहाँ पर ये सब लोग जो है पहुँच करके और मारपीट किए, ये लिख रही हैं। तो जब इलाज चल रहा था तो उस समय भी उक्त सभी स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट किए, तो सेकंड प्लेस ऑफ अकरेंस हो गया, सेकंड अकरेंस हो गया, विच इज इंडिकेटिंग इन हर फर्द बयान। तो ये अगर आप FIR नहीं किए तो इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेट इस एंगल से कैसे होगा प्रूव ये कि वहाँ मारपीट किए थे? फर्द बयान के बाद हॉस्पिटल पे CCTV लगा हुआ था, वहाँ पे जांच किया गया, ये स्पष्ट हुआ कि दोनों हॉस्पिटल के मुख्य गेट पे श्याम कुमार गिरी जो स्पष्ट तो बाद में होगा, इन्वेस्टिगेशन विल बिगिन आफ्टर लॉजिंग ऑफ द FIR। पहले FIR लॉज होगा, उसके बाद तो उस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन करके फिर है ठीक है आप दोनों केस को बाद में क्लब कर दीजिए, बट अनलेस यू इन्वेस्टिगेट द केस फ्रॉम दिस एंगल तो ये तो फिर कभी जाएगा ही नहीं, प्रूव ही नहीं होगा दैट एनी असॉल्ट हैड टेकन प्लेस देयर, दैट इज नॉट हर केस इन हिज केस इन द फर्स्ट FIR। इन द फर्स्ट FIR stated anything about in the first FIR he has not stated about the occurrence which took place in the Prathmik Swasth Kendra. तो जहाँ second place of occurrence की बात उस केस का जब trial चलेगा तो ये आएगा ना कि साहब फर्द बयान में तो ऐसा कहीं उसने नहीं लिखा है अपने written complaint में, तो आप कहाँ से ये केस इंप्रूव कर गए? तब होगा कि साहब तो स्टेटमेंट जो दिया उसकी वाइफ ने वो इम्प्रूव कर गए, इस पर जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे FIR लॉज कर करके दोनों केस को एमालगमेट कर करके केस चलेगा, बट दिस केस हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों दो अकरेंस हो गया, अगर आपका मानना है कि साहब नहीं ऐसा अकरेंस नहीं हुआ है तो आप रिपोर्ट देंगे इन्वेस्टिगेशन में, बट वो था टू डिफरेंट अकरेंसेज टेकिंग प्लेस ऑन टू डिफरेंट डेट्स एट टू डिफरेंट प्लेसेस। डेट ऑन 11/4 दो टाइम अलग अलग टाइम, टाइम बस डेढ़ घंटे का डिफरेंस है, डेढ़ घंटे का भी डिफरेंस है, है दो अकरेंस है, अकरेंस दो अकरेंस है। नहीं, हमको शुरू में लगा था ना कि जो हॉस्पिटल में असॉल्ट हुआ ड्यू टू दैट ही डाइड, तो हम नहीं, तो वो कैसे मरा, पहले के असॉल्ट से मरा या उसके असॉल्ट से मरा, तो दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंग, लगा कि कंप्लीटली। लेकिन ये केस जो है इसका कि हॉस्पिटल में भी वहां भी असॉल्ट हुआ जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तब, वो कैसे जाएगा प्रोसिक्यूशन अपने फर्द बयान में, बिकॉज रिटन है, अगर इसको आप एविडेंस में ला नहीं सकते हैं कैन इट फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी, बोली तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। संगीता गिरी अपने फर्द बयान में 12 कैन दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द केस डायरी, उनका स्टेटमेंट जो संगीता गिरी का, उनका जो ये रिटन स्टेटमेंट है, रिटन फर्द बयान, ये जो स्टेटमेंट है ये तो रिटन है, तो ये तो केस डायरी में जाएगा नहीं, 162 में हिट हो जाएगा 161 का स्टेटमेंट। अगर वो विटनेस है संगीता गिरी इज ए विटनेस इन द केस लॉस्ट बाय हर हस्बैंड, तो आप विटनेस का स्टेटमेंट इन राइटिंग एंड साइन तो नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं? नो सर। अंडर विच प्रोविजन ऑफ CRPC? अंडर विच प्रोविजन ऑफ CRPC? देखिए निकालिए किताब, वहां है ना सामने 161 निकालिए, सेक्शन 162 जरा पढ़िए। 62 यही सब तो जरूरत है आप लोगों को बताने की। स्टेटमेंट टू पुलिस नोट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस, नंबर वन, नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन
अंडर दिस चैप्टर सेल इफ रिड्यूस्ड टू राइटिंग बी साइंड बाय पर्सन मेकिंग इट नोट टू सेल एनी सच स्टेटमेंट और एनी रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन अ पुलिस डायरी और अदरवाइज और एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट और रिकॉर्ड नहीं होगा ना इन राइटिंग कोई भी विटनेस को अगर आप कहिएगा कि ये लिखो तुम जो बोल रहे हो लिख करके दे दो हमको साइन करके तो वो हिट हो जाएगा सेक्शन 162 से इसीलिए पुलिस क्यों डायरी लिखती है अपने sure. क्यों आईओ को लिखना होता है डायरी अपने हाथ से तो बड़ा आसान होता अगर वो आपको दे दिया गया रहता तो आपको वो भी डायरी लिखने की जरूरत नहीं थी वो भी आप सबको कहती कि दे दो जो लिख करके देना है तो ये जो फर्द बयान है ये कैसे जाएगा डायरी में ये तो जा नहीं सकता है दिस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डायरी बिकॉज इट इज इन राइटिंग एंड साइंड बाय संगीता गिरी तो उसका तो केस ये समाप्त हो गया ना कि सेकंड अकरेंस हुआ और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुआ बोलिए अब आप दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड आई गॉट इम्प्रेशन योर लॉर्डशिप बाय द बेयर रीडिंग ऑफ द सेकंड द फर्द बयान ऑफ पिटिशनर नहीं व्हाट इज योर इम्प्रेशन नाउ आफ्टर दिस मच डिस्कशन नो योर लॉर्डशिप सर्टेनली द सेकंड एफआईआर शुड हैव बीन लॉज्ड The second FIR should have been lodged, but initially I got impression that it was after first FIR when the deceased was taking treatment in the hospital, where he was assaulted on 23rd. That is not the case. Yes. That is not the case. Yes. It should have been second FIR for the occurrence at that. But a specific case is that when he was taking treatment in the Prathamik Swasthya Kendra, there he was. Again assaulted. And this occurrence is of 11th. First occurrence is of 11th. It is also of 11th. That date is not there. जी जी, it's investigation वही आया है. Investigation में आएगा ना? जी जी. इसीलिए तो कहा कि investigation में आएगा जो भी आना होगा. जी जी जी. Both the cases may be clubbed. जी जी. Later on. Yes. इसका अलग से investigation. If it's found that both the cases may be clubbed. सेम ट्रांजेक्शन अगर पाया जाएगा कि नहीं सेम ट्रांजेक्शन में हुआ है वो भी ट्रांजेक्शन अगर सेम रहेगा देन केसेस में भी क्लब तो आप इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट यस And what is the stage of investigation of this Makher PS case number 65 of 2022? इसमें क्या किया अभी तक आपने? सर इसमें सर अभी तक का ये सारे विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है। विटनेस का स्टेटमेंट हुआ है सर। डॉक्टर जो इनको ट्रीटमेंट की थी उनका स्टेटमेंट हुआ है। सर विश्रा को प्रिजर्व किया गया था मुजफ्फरपुर से जांच रिपोर्ट के लिए विश्रा रिपोर्ट नहीं आया अभी तक आ गया विश्रा रिपोर्ट आ गया सर डॉक्टर का वो सप्लीमेंट्री रिपोर्ट रोक के वो भी प्राप्त कॉज ऑफ डेथ इज हार्ट अटैक आई डोंट नो हार्ट अटैक तो सबका डेथ का होता है नहीं इसमें आया हुआ है कोई भी मरता है हार्ट अटैक से होता है वो वायलेंस नहीं है अल्टीमेटली हार्ट अटैक ही होता है वो सडन कार्डियक व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीजन द वर्ड यूज इज कॉज ऑफ डेथ सडन कार्डियक अरेस्ट सडन कार्डियक अरेस्ट में हैपन फॉर मेनी रीजंस और वेदर द इमीडिएट कॉज ऑफ दैट वाज द इंजरी सफर्ड बाय हिम एंड और बिकॉज ऑफ द शॉक इट हैज आल्सो कम इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन That the deceased was suffering from heart ailment, he was being treated properly for that. Oh, I am not going into all those things. That is not the stage of this case. The High Court is not going to apply its mind at this stage into the allegations and the merit of the allegations. Second FIR register karke usko investigate karke. Yes, likhiye.
कॉर्ड लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर एंड मिस्टर दीपक कुमार लर्निड एसी टू जीपी फोर पुलिस स्टॉप. व्हाट्स योर नेम? राजेश कुमार रंजन. मिस्टर राजेश कुमार? सर राजेश कुमार. राजेश कुमार रंजन. मिस्टर राजेश कुमार रंजन SHO ऑफ मकेर पुलिस स्टेशन एज वेल एज आईओ ऑफ दिस केस इज प्रेजेंट इन पर्सन. पुलिस स्टॉप. नेक्स्ट इन कोर्स ऑफ हियरिंग लैंड काउंसिल फॉर द स्टेट एज वेल एज द SHO has agreed that the fourth bayan of the petitioner was required to be registered as FIR separately because it is giving information with regard to the second occurrence which allegedly took place in the primary health center. Yes. Police stop. This occurrence is not reported in the first FIR lodged by the husband of the petitioner within brackets is deceased. Police stop. This court has, thus been given to understand that the fourth bayan of the petitioner shall be registered as FIR immediately and the same shall also be investigated. And the allegations made therein shall be investigated. Full stop. Next, in case it is further submitted that in case it is found that both the cases are required to be amalgamated, the same may be prayed for after seeking appropriate instruction from the supervising authorities. Police stop. Next. As regards the investigation of Makir PS case number 65 of 2022, it is stated that the statement of the witnesses have been recorded, Visra report has been received, Visra report and the postmortem reports have been received and the same is likely to be concluded very soon. Please stop. Next, in the aforesaid view of the matter, this writ application is being disposed of with a direction to the SHO investigating officer of the case to take immediate steps to lodge the FIR on the basis of the fourth bayan of the petitioner and investigate the same from the keeping in view the allegations mentioned to her life and she requires protection from police stop. Even otherwise she is a witness to the case and as such her security must be a concern for the state. नेक्स्ट थे आप इनको देख लीजिए, इनको थोड़ा प्रोटेक्शन वहां दीजिए, कोई तरह की बात नहीं. कोलकाता सर, सी कोलकाता में रहती है सर, संगीता इधर से भागे हुए हैं कोलकाता. ये कहां रहती हैं? कोलकाता में अभी जस्ट गए हैं. गांव आएंगे ना, केस जब मकेर में है. अच्छा, नॉर्मल कोलकाता में रहती है. कोलकाता में रह रही है सर. तो जब गांव आएंगे तो इनको आप प्रोटेक्शन दीजिएगा ना. कोई दिक्कत नहीं सर. लिखिए DSHO हैज इन्फॉर्मड दिस कोर्ट that the petitioner hamesha gaon mein rehte hain. Huzuri, inka statement is correct hai, hamesha gaon mein rehte is residing at Kolkata, but in case she will be at her village, adequate police protection shall be provided to police stop.
दिस कोर्ट इज रिकॉर्डिंग इट एज एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द SHO फुल स्टॉप इट विल बी हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट द पिटिशनर रिमेन्स फुली प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग हर स्टे इन हर विलेज एंड सी मे पार्टिसिपेट इन कोर्स ऑफ ट्रायल ऑफ दिस केसेस सो दैट सी मे पार्टिसिपेट इन कोर्स ऑफ ट्रायल ऑफ दिस केसेस विदाउट एनी फियर फुल स्टॉप दिस एप्लीकेशन स्टैंड्स डिस्पोज्ड ऑफ एवरीथिंग ऊपर में एक लाइन दे दीजिएगा रिसीव्ड द रिपोर्ट फ्रॉम द लर्नेड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पेरूज द रिपोर्ट ऑफ द लर्नेड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एज कंटेन इन लेटर नंबर 289 ऑफ 2022 डेटेड 9/12/2022 बस